तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई? आपका पाचा होंगे। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि चैनल पर नहीं होते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा कॉल जरूर कर लेना है। और फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो एडिटिंग कैसे कैसे किए थे, मैंने इस वीडियो में सब बताया है। फ्रेंड, आपको क्या करना है कि वीडियो को कौन तक देखना है, मैंने इस वीडियो में सब ए टू जेड बताया है आपको क्या क्या करना है। फ्रेंड, एक क्लिक में आपको फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा। फ्रेंड, आपको वेट करना है। फ्रेंड, चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं। तो फ्रेंड, अब आपको क्या करना है चलिए मैं बता दूँ। यहाँ से इधर आना है आपको, और फिर आपको क्या करना है, इस लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन खुल गया। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग यहाँ से थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एड फोटो पर क्लिक करके और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके अपने फाइल से यहाँ पर फाइल से फोटो को आपको ले लेना है, जो कि मैं ले ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, फ्रेंड एक क्लिक में आपको फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ से ऑल फोटो पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, ऑल फोटो पर क्लिक करने के बाद इस प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ से आपको क्या करना है कि थ्री डॉट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। फ्रेंड, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड, कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से ज्योमेट्री को आपको ऑन कर देना और यहाँ से सही पर निशान करके कट कर देना। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको बैक आना है। फ्रेंड, बैक आने के बाद आपको इस वाले फोटो को ले लेना है। फ्रेंड, और फ्रेंड आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पर आपको आना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। फ्रेंड, पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कितना क्वालिटी में और कितना मतलब मज़ेदार आ चुका है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना खतरनाक हो चुका है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करना है। फ्रेंड, शेयर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं एक क्लिक में मैंने फोटो एडिटिंग कर लिया। फ्रेंड, इतना ही नहीं, फेस स्मूथ करेंगे और आपको जैसे मैं थंबनेल में दिखाया हूँ फ्रेंड, वैसे ही आपको सेम टू सेम वैसे ही बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, थोड़ा वेट कीजिएगा, आप थोड़ा लोडिंग हो रहा है तो थोड़ा चलते हैं आगे के लिए। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। फ्रेंड, ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। फ्रेंड, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आना है, इस टूल्स वाले पे आना है। फ्रेंड, फ्रेंड टूल्स वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्रश को आपको ले लेना है, आप लोग देख सकते हैं स्मूथ यहाँ पे, और इस ब्रश को आपको ले लेना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पे सेटिंग पे आना है, फोलो को वन, एक्सटेंजन को वन, और साइज अपने हिसाब से रख के और अपने फेस को स्मूथ करेंगे। चलिए फ्रेंड, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे स्मूथ करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आप लोग वैसे वैसे कीजिएगा तो सेम मेरे जैसे आपका फोटो एडिटिंग और फेस स्मूथ हो जाएगा। पूरा एच डी क्वालिटी में, एच डी आर फोटो एडिटिंग कैसे कहते हैं सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग वेट कीजिए और आपको लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ से कि आपको यहाँ से जूम कर लेना है, और फ्रेंड आपको क्या करना है कि आपको आराम आराम से ऐसे ऐसे स्मूथ करना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे वैसे करना है। तो थोड़ा आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग गड़बड़ा देते हैं यहाँ पर, तो आपका नाक मतलब बेकार हो जाता है। तो आपको कैसे कैसे करना है, इधर से आपको नीचे का से ऊपर लेके आना है और चारों तरफ से आपको मिलाना है। फ्रेंड, चारों तरफ से मिलाने से क्या होता है कि आपका मतलब टूल्स का निशानी नहीं दिखता है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आराम आराम से, जैसे जितना आराम आराम से कीजिएगा फ्रेंड, उतना ही आपका फेस स्मूथ होगा। अच्छा, तो फ्रेंड मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड, थोड़ा वेट कीजिए, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड इतना ही नहीं, आपको क्या करना है यहाँ से, फ्रेंड यहाँ से आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से टूल वाले पे आएंगे। लाइब्रेरी पे आने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंड इस टूल वाले को लेंगे और यहाँ से सेटिंग में पे आएंगे और आपको क्या करना है यहाँ से कि आपको इस रेड वाले पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड इसको आपको क्या करना है यहाँ से अपने लिप्स पर आपको चलाना है, आप लोग देख सकते हैं अपने लिप्स पर आराम आराम से आपको चलाना है। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको फिर इसी वाले ऑप्शन पे आना है और इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फ्रेंड मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेंड मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको ओपासिटी को घटा देना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इतना 12 तक रख के यहाँ से छपको छोड़ देना है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पर। फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। फ्रेंड सेव करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ यहाँ से आपको क्या क्या करना है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इस स्नैपशीट एप्लीकेशन में ओपन करते हैं इस फोटो को। फ्रेंड स्नैपशीट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। यहाँ से प्लस वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपने परमिशन को अलाउ करके अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। फ्रेंड फोटो को लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से टूल वाले ऑप्शन पर आएंगे और फ्रेंड टूल वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से टून इमेज पर आपको आना है। फ्रेंड टून इमेज पे आने के बाद आपको कंट्रास्ट को पूरा इतना हाई कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको सैचुरेशन को भी थोड़ा माइनस में रखना है और फ्रेंड आपको क्या करना है, हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और शेडो को थोड़ा माइनस में कर लेना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको फिर से टूल वाले पे जाना है। फ्रेंड टूल वाले पे जाने के बाद आपको यहाँ से लेंस ब्लूर पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से आपको ऐसे कर लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर आपको आना है। फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, व्यू इड्स पे आपको आना है। फ्रेंड व्यू इड्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, लेंस ब्लूर पे आना है, यहाँ से इस पे आना है और फ्रेंड यहाँ से आपको क्या करना है, इसको 100% पे रख के और फ्रेंड आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको चलाना है, जो कि आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं। तो मैं तो फटाफट चला दे रहा हूँ, आपको भी चला लेना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा हो चुका है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। फ्रेंड बैक आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से टूल वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से सिलेक्टिव पे आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपका ब्राइटनेस कम है वहाँ आपको थोड़ा बढ़ा लेना है अपने ब्राइटनेस को। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी बढ़ा ले रहा हूँ। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से अपना स्पॉट वाले पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से स्पॉट कर लेना है। फ्रेंड स्पॉट करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ से। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आप टूल यूज एप्लीकेशन में आपको आना है। फ्रेंड टूल यूज एप्लीकेशन में आने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। फ्रेंड पोर्ट्रेट वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस मेकअप वाले पे आपको क्लिक करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड मेकअप वाले पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा हो चुका है। तो फ्रेंड आपको यहाँ से डन करना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट वाले पे आना है। फ्रेंड इफेक्ट वाले पे आने के बाद आपको सॉफ्ट स्मूथ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, पूरे 10 वाले पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड 10 वाले पे नहीं, 9th वाले पे। फ्रेंड 9th वाले पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे मार्क्स वाले पे क्लिक करके आपको क्लियर कर देना है। फ्रेंड क्लियर करने के बाद आपको बालों पे ऐसे चलाना है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑयल पेंट कैसे कैसे किया जाता है, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा हो चुका है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। फ्रेंड सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको ले चलना है लाइट रूम एप्लीकेशन में फिर से। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ इधर आना है और लाइट वाले पे क्लिक करना है और कंट्रास्ट को थोड़ा हाई कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड कंट्रास्ट को हाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा माइनस में कर लेना है और इसको भी थोड़ा माइनस कर लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद वाइट को थोड़ा माइनस और ब्लैक को भी माइनस इतना माइनस कर लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको कोई कलर वाले पे आना है, इस पे आना है
और रेड वाले का भी थोड़ा बढ़ा लेना है सेचुरेशन, और इसको इसको भी थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा कर और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेना है फ्रेंड। इतने करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको डन कर देना है फ्रेंड। डन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में आना है, क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज फ्रेंड। इतने करने के बाद आपको इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और इसको थोड़ा माइनस कर देना है फ्रेंड। इतना करने के बाद आपको इस वाले पे आएंगे और इसको फुल कर देंगे क्योंकि बैकग्राउंड भी आपको ब्लर हो जाए फ्रेंड। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो बिफोर एंड आफ्टर कितना HD क्वालिटी में बन चुका है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि देखा, तो फ्रेंड आपको शेयर वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेना है। सो फ्रेंड मेरा फोटो बन चुका है। तो फ्रेंड आप चैनल पर नहीं होते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।